बिग बॉस के घर में उमर रियाज को इसलिए एविक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रतीक को पुश किया था। लेकिन इसी के साथ साथ जो है लोगों को उस इंसिडेंट की याद आई जब सिम्बा ने उमर को पुश किया था। अब उस पूरे इंसिडेंट पर सिम्बा ने एक इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को और उन्होंने उन सारी चीजों का जिक्र किया है कि क्या आखिर उमर को एविक करना एक धक्के के आधार पर सही था या नहीं था। क्या कहा है सिम्बा ने, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो सिम्बा का बयान इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि सेम चीज जब उमर के साथ हुई तो वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि उमर के एविक्शन पर क्या बोलेंगे तो उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू से दैट देयर हैज बीन अ लॉट मोर फिजिकल वायलेंस इनसाइड द हाउस। बहुत चीजें फिजिकल हो चुकी हैं कि आप एक धक्के का मुद्दा नहीं बना सकते। बंदे बंदे पर चढ़ा हुआ था, शमिता की तो उंगली फ्रैक्चर हो गई, अभी तक मेरे बॉडी पर स्कार है और वो जो है सो पुश वॉन्ट हर्ट एनीवन। तो एक धक्के को लेकर आप इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना सकते हैं। प्रतीक और करण को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जब घर के अंदर था करण ने प्रतीक को दो बार पुश किया, ही डिड इट अगेन अ फ्यू डेज बिफोर माय एविक्शन। आप जो है बिग बॉस के रूल्स इस तरीके से तोड़ नहीं सकते हैं, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। उसको लगा होगा सिम्बा और करण को नहीं हुआ तो मुझे क्या करेंगे और उसने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया सिमिलर फैशन में। मुझे लगता है कि उसने बिग बॉस का ये जो ग्राउंड रूल है कि फिजिकली आपको किसी के साथ हाथापाई या वायलेंस नहीं करना, उसने उस रूल को ग्रांटेड ले लिया। जब उसे पूछा गया लेकिन कुछ के साथ हुआ कुछ के साथ नहीं हुआ तो क्या ये अनफेयर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा देखो बिग बॉस के घर में कुछ भी अनफेयर नहीं होता है, बहुत सब्जेक्टिव है ये चीज़ें। जो आपको सही लगती है वो घर के अंदर मुझे रहकर गलत लगती है, जो मुझे घर के अंदर रहकर सही लगती है वो आप लोगों को बाहर से गलत लगती है। फिर तो बस चाहते ही रहो और लड़ने का ही शो है ऐसा लगता है उस घर के अंदर, और वहां पर चिल्लाने का ही शो है, उन्हीं लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हैं। उनसे पूछा गया कि आप भी तो लड़े थे, तो उस पर वो कहते हैं उमर ने मेरी मम्मा पे बात की थी जो मैं नहीं ले सकता, मेरा पुश करने का इंटेंशन उसे स्विमिंग पूल में फेंकना था ही नहीं, लेकिन मैं खुद था क्योंकि उमर तो मेरा दोस्त है ना तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन जब उसने मेरी मदर पर बोला वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरा पुश इतना फोर्सफुल हो गया कि वो जाकर स्विमिंग पूल में गिर गया। उसने ये फिर आगे सिम्बा कहते हैं कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हिंसा हुई है और जब जंगल और मुख्य घर में डिवाइड था तब तो लोग एक दूसरे पे चढ़ ही जाते थे, मैं खुश शौक था कि इस घर में इतना वायलेंस कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं शो के अंदर गया था, मुझसे पूछा गया था कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो मैंने ये बात साफ साफ कही थी कि अगर कोई मेरी मदर के बारे में बोलेगा वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि वही चीज़ उमर ने कर दी और मेरा रिएक्शन ऐसा निकला, लेकिन मेरा रिएक्शन कभी भी उसे फोर्सफुली पूल में फेंकने का नहीं था, पर वो इस बात से जरूर सरप्राइज है कि घर के अंदर वैसे भी इतने वायलेंस हुए हैं तो ऐसे में सिर्फ उमर के धक्के का मुद्दा क्यों बनाया गया है।